हेलो, कैसे हैं आप लोग। वाईटी और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में स्टडी के लिए आपका स्वागत करता है। चलिए बात करते हैं इस वाईटी शॉर्ट्स में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। तो हमने आपसे कहा हुआ था, जब हम लोग ने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा था और कुछ प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, जहां पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक कंक्लूजन निकाल कर ले आए आपके लिए, जिसमें नाम है कनेक्टिंग लिंक। मतलब दो डिफरेंट फाइलम या दो डिफरेंट डिवीजन के बीच में वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो काम कर रहे हैं कनेक्टिंग लिंक का, यानी जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, मतलब जो ट्रेट्स हैं वो दोनों फाइलम के या दोनों डिवीजन के मिल रहे हैं और उनके नाम क्या हैं। क्योंकि नीट यूजी में ये सवाल लगातार आते रहे हैं, तो चलिए फिर से देखते हैं वन बाय वन करके वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। हमारे इस सीरीज में पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज के पास बैक्टीरिया और फंगस दोनों की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बैक्टीरिया और फंगस का, यानी फंजाई का। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा नाम है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया कनेक्टिंग लिंक है वायरस और बैक्टीरिया का। मतलब ये जीनोमिक कैरेक्टर्स के मामले में, ट्रेट के मामले में रिप्रेजेंट करता है अपने को वायरस की तरह, लेकिन अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर या सेल के स्ट्रक्चर, तो ये कैसा है, ये बैक्टीरिया जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब रिकेट्सिया जिसके पास वायरस और बैक्टीरिया कैरेक्टर्स है, तो ये कनेक्टिंग लिंक हुआ इन दोनों के बीच का। वहीं पे तीसरा है जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वायरसेस कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों? क्योंकि जब ये किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और सिर्फ उसको, होस्ट को यूटिलाइज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल कॉपी करने के लिए। उसके जस्ट बाद क्या करते हैं, ये छोड़ के बाहर आ जाएंगे। इन्फेक्शियस फ्लूइड नाम दिया था किसी ने इन्हें, जिसने नाम दिया था वायरसेस को इन्फेक्शियस फ्लूइड, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट, क्लब मॉस ब्रायोफाइट। तो ये ब्रायोफाइट जैसे हैं, इनको हम लोग सोचते हैं कि ये ब्रायोफाइट में ही रखे जाएंगे, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, लेकिन नहीं, इनमें कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं टेरिडोफाइट के भी, यानी फर्न के भी कुछ ट्रेट्स जो है दिखाई देते हैं। इसलिए क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। द फिफ्थ वन इज नीटम। नीटम और साइकस को भी कुछ लोग मानते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक है टेरिडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का, और वहीं पे फिर नीटम को मानते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। साइकस को भी कुछ लोगों ने माना हुआ है किसके बीच का, जिम्नोस्पर्म का और टेरिडोफाइट का, तो ये भी एक बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया से 6 नंबर पर पेरिपेटस। पेरिपेटस वो छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा जानवर जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, यानी उसमें एनिलिड्स लाइक मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन भी है, साथ में बॉडी जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो जॉइंटेड है। तो मतलब बोथ कैरेक्टर्स फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड, तो दोनों कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। इसका कनेक्टिंग लिंक किसका है, आर्थ्रोपोडा का और एनिलिडा का। 7th नंबर पे हमारे पास है आर्निथोरिंकस। कनेक्टिंग लिंक है रेप्टिलिया और मैमिलिया का। ये बतख, डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको हिंदी में बतख चोची भी कहा गया था, ये क्या है, ये वही है जिसका मुंह जो है, माउथ में बतख जैसा चोच लगा हुआ है, बीक लगा हुआ है, और उसी को हम लोग कह रहे हैं। क्या है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल। साथ में ये बिलोंग करता है मैमल में प्रोटोथीरियन से। प्रोटोथीरियन मतलब पॉइजनस मैमल में ये कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स नन्हा सा, छोटा सा, कौवे जैसा, चिड़िया जैसा दिखने वाला रेप्टाइल आप कह सकते हैं इसको। क्या है ये, होता कुछ नहीं है, कौवे जैसे साइज का था ये, इसके फॉसिल रिकॉर्ड मिले थे, ठीक है। इसके पास बीक प्रेजेंट थी, बीक का पाया जाना बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, और वहीं पे बीक में टीथ का पाया जाना, मतलब बीक भी बन रहा है साथ में टीथ भी बन रहा है, तो बीक में टीथ का बनना तो रेप्टाइल का कैरेक्टर था। एम्फीबिया में बने नहीं थे, रेप्टाइल में बने थे। रेप्टाइल के बाद कहां बने थे, बर्ड में नहीं बने, फिर सीधा मैमल में बने हैं। तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक किसका हुआ, ये कनेक्टिंग लिंक हुआ बर्ड का और रेप्टाइल का। नेक्स्ट है 9 नंबर पर नियोपिलाइना। नियोपिलाइना जिसकी बॉडी स्लगिश है, लेकिन सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा आपको, इसलिए क्या है एनिलिडा। तो इसके पास दो तरह के सिम्टम्स मिले, एनिलिडा के और मोलस्का के, और ये कनेक्टिंग लिंक बन गया एनिलिडा और मोलस्का का। नेक्स्ट है हमारे पास बेलेनोग्लॉसस। 10 नंबर पर बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस क्या था, इसको हम लोगों ने हेमी कॉर्डेटम रखा हुआ था। हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हाफ कॉर्डेट है, तो ये हाफ नॉन कॉर्डेट भी तो हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टिंग लिंक होगा बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का। नेक्स्ट है कैमेरा कुछ इस नामों जाना जाता है इसको, जिसके पास बोन भी मिलती है और कार्टिलेज भी। तो इन्होंने क्या कहा, ऑपरकुलम है, ऑपरकुलम के ऊपर गिल्स है, गिल्स पेयर में है, कुछ इस तरह के ट्रेट्स को देखा गया था। इसको क्या बताया गया, इसको बताया गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्पीशीज। आप देखेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस के ऊपर क्या होता है कि सिर्फ गिल्स बनते हैं, ऑपरकुलम नामक ढक्कन नहीं होता, लेकिन बोनी फिशेस के ऊपर क्या होता है, एडवांस फिशेस है, तो ऑपरकुलम नामक ढक्कन पाया गया। तो सेम जो फीचर यहाँ पे मिला है दोनों का मिक्स करके, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बना कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस का, यानी कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज का। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटोस्पंजिया। प्रोटोस्पंजिया प्रोटोजोआ और पोरीफेरा से बिलोंग करता है,
यानी प्रोटोजोवा लाइक स्ट्रक्चर भी है ये, और साथ में पोरीफेरेंस लाइक मानी सिलिशियस स्पिक्यूलिए बना रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रोटोस्पंजी और करंटी लिंक है प्रोटोजोवा और पोरीफेरा का। इस सीरीज में आखिरी नाम है हमारे पास यूलिना का, यूलिना जो कि प्लांट लाइक बिहेव करता है और साथ ही साथ में एनिमल लाइक भी, एनिमल जैसा क्यों, क्योंकि एनिमल की तरह इसकी बॉडी में क्या है पेलिकल नामक कवरिंग पाई है आउटर बाउंड्री पे, लेकिन साथ में ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस करना, क्रोमेटोफोर नामक स्ट्रक्चर का पाया जाना, प्लांट लाइक है, प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्रोमेटोफोर है, इसलिए ये क्या हो गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो इस शॉर्ट्स में आज के लिए इतना ही, अगले टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।